पूजा मैम कैसी हैं आप? आपके खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा फरिश्ता का ट्रेलर टर्निंग में आ चुका है। मेरा गाना जो निकला है करियावा ड्रेस, वो रील्स में आ चुका है, तो फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी इसमें लुक रखा है, एक्चुअली जब मेरे पास शूट के लिए बुलावा आया था तो मैं सिंपल सा ही लुक रखा है, और गाने में भी कुछ चेंज नहीं किया था, एकदम सिंपल सा लुक। यूं कहे कि करिया ड्रेस में कमाल लगे लू और काला ड्रेस पहन के आज आप मुंबई में घूम रही हो। बस मुझे लगा कि चलो इंटरव्यू देने आ रहे तो ब्लैक ड्रेस में ही आ जाते हैं, करिया लगना। चलिए, गाने का टाइटल है कि करिया ड्रेस में करिए बा दिलवा तोहार। हाँ तो हाँ दिल आपका कैसा है बताएं नहीं, दोस्तों। मेरा दिल ब्लैक नहीं है, एकदम सादा साफ सुथरा है, एकदम सिंपल है, एकदम ब्लैक नहीं है, बहुत अच्छा है। मैम अब बात की जाए फरिश्ता के, हाँ कितनी एक्साइटमेंट है 9 तारीख को ऑल ओवर हिंदुस्तान रिलीज हो रहा है। देखिए, एक्साइटमेंट तो है ही, होता है ना कि जब हम लोग शूट पे थे, और मुझे याद है कि जब ये गाने का शूट चल रहा था, करीबन 48 डिग्री लखनऊ में शूट हो रहा है, और हम लोग बार बार चारों तरफ से पानी, धरती में पानी, नीचे पानी डाल डाल के हम लोग शूट कर रहे थे, इतना गर्मी था, और ऊपर से ब्लैक ड्रेस। हम लोगों को मालूम है कि ब्लैक में ज़्यादा गर्मी ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद शूट करने के बाद जब ट्रेलर आया ना, वो देख के होता है ना कि मन का शांत मतलब शांत मिल गया कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, और ऊपर से अभी जो भी ट्रेंडिंग में आ गया, 9 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्साइटेड हूँ मैं। उम्मीदें तो बढ़ता जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। खेसारी जी के साथ चौथी बार आप पर्दे पे आ रही हैं, जी, कैसा अनुभव रहा काम का? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस फरिश्ते में जब मानो के लॉकडाउन के बाद अगर मेरा पहला पिक्चर है तो यही था, आफ्टर लॉकडाउन जो भी मैंने किया है, बिफोर लॉकडाउन किया है, क्योंकि मेरा लास्ट पिक्चर था शादी हो तो ऐसी, उसमें है गेस्ट अपीयरेंस बट बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल था, तो उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद ये फरिश्ता, तो बहुत ही मतलब कमाल का हो गया जो भी है, ऐसा। खेसारी जी के साथ काम का अनुभव कैसा रहा? ठीक सेट है, पे आप कितना अनकंफर्टेबल थे खेसारी जी के साथ काम करते हुए? एकदम ही अनकंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि 4 फिल्म हो रहा है, और पहले दिन से कुली नंबर 1 से वो इतने अच्छे एक्टर है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एकदम आराम से समझाते हैं, जो सब लोग नहीं करते, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सब लोग नहीं रहते, पर वो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब ऐसा नहीं है कि को-स्टार है तो हम बात नहीं करेंगे, न्यू है तो हम बात नहीं करेंगे, सबसे मिलजुल के बात करते हैं। और मतलब शूटिंग के टाइम में तो जैसे कि होता है कि मैं डायलॉग अगर कुछ भी मुझे कुछ तकलीफ होता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो उसमें एकदम ही मतलब कंफर्टेबली हमने काम किया उनके साथ। फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित हैं, जी आपने जितनी भी फिल्में खेसारी जी के साथ की हैं सबके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी हैं, किस प्रकार के इंसान हैं लाल बाबू? मैंने अभी तक 3 फिल्म की है जो लाल बाबू सर के, और एक है एम आई राज जी के, एक साजिश जाल हमने जो किया था वो एम आई राज जी था, बाकी 3 पिक्चर लाल बाबू का ही है। तो लाल सर बहुत ही अच्छे, बॉन्ग कनेक्शंस तो है ही, क्योंकि वो कलकत्ता में भी रहते हैं, पर देखिए बॉन्ग हो या भोजपुरी हो अलग बात है, पर काम की जगह में उसको इम्पोर्टेंट देना, अगर वो कैरेक्टर अगर मैं कर नहीं पाऊंगी तो आगे जाके मुझे काम भी नहीं मिलेगा, तो शायद उनको लगा है कि मैं ये कर पाऊंगी, इसलिए ये रोल मुझे उन्होंने दिया। और लाल सर तो बहुत ही अच्छे, उनके साथ काम करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि अनकंफर्टेबल फील करते, ऐसे नहीं, और उसके साथ ना कैसे शूट खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, ऐसा है। लाल बाबू ने आपको ढूंढा कैसा? लाल बाबू ने मुझे ढूंढा, एक छोटा सा स्टोरी है, हम हैं बॉम्ब कलकत्ता से है, तो कलकत्ता में मेरा अच्छा खासा सीरियल चल रहा था, और उसी टाइम वहीं से एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका पूरा टीम था कुली नंबर 1 में, कैमरा से लेकर लाइट से लेकर वही टीम था, तो वही जो प्रोड्यूसर था, तो उन्होंने मुझे ऐसे एक दिन बुलाया, 2018 मुझे याद है, नवंबर था, मुझे बुलाया और मुझे बोल रहा है कि तुम भोजपुरी करोगे, तो मैंने बोला नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं करनी है, ये होता है वो होता है, हमने एक अलग सोच था भोजपुरी को लेकर, और उस टाइम बोला कि डायरेक्टर आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, तो उसी टाइम कुली नंबर 1 का डायरेक्टर लाल बाबू सर आए, और अपना प्रोड्यूसर जी सुरेंद्र जी आए, और आके मुझे खेसारी जी का पिक्चर जितना भी छोटा छोटा था उन्होंने किया है वो मुझे दिखाया, तो देखने के बाद ना
होता है ना कि माइंड चेंज होने लगा, मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी, तो वही से मेरा लाल बाबू सर के साथ मुलाकात। 9 तारीख का फिल्म रिलीज जाते हैं, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी कि आपकी और खेसारी जी की जोड़ी क्या आगे देख पाएंगे? दर्शकों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने खेसारी जी को प्यार दिया है, मेघाश्री जी को प्यार दिया है, वैसे आप मुझे भी प्यार दीजिए। अब फरिश्ते जाइए देखिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में आ चुका है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे ख्याल से शायद मैं तो चाहूँगी और आप लोग भी चाहिए, होता है ना कि सब लोग चाहते हैं तो वो हो जाते हैं, अल्टीमेटली सब लोग चाहेंगे तो शायद आगे जाके मेरा फिर से खेसारी जी के साथ मूवी आने वाले हैं। फरिश्ते में जो कैरेक्टर आपने निभाया है, क्या आपका असली लाइफ में भी वही घटना था? अगर मेरा पास्ट बोला जाए तो हाँ, कुछ तो मिल है। जैसे कि अगर आप किसी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते और अगर वो प्यार आपको नहीं मिलता है तो वो जो कष्ट है वो थोड़ा सा टच इस फिल्म से मुझे मिला, क्योंकि शूटिंग के टाइम में मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गई थी। शायद इसके लिए आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, होता है कि वो जो ओरिजिनलिटी कभी कभार होता है ना कि हम लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे अप्स डाउन चलते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू देते हैं आगे आते हैं, क्योंकि पर हम लोगों के ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चलते हैं जो हम लोग नहीं दिखाते कैमरे के सामने, पर इस मूवी में दोनों मिलजुल गए ऐसा है। तो जिस तरह से वो आप सारी का एंट्री होता है पागल में जी, और आप उसको पागल, वो बचपन का प्यार था आपका उसके साथ, लेकिन वो जो बड़े होके आता है पागल दिखता है आपको, फिर भी आप प्यार करते और वो आपको पहचानते नहीं, आप फिर आप मम्मी को जाके मतलब रोते रोते जी भाग जाते। आई थिंक ये आपका ओरिजिनल में लाइफ में भी ऐसे हुआ था? मेरी लाइफ में ऐसी पागलपंती नहीं थी, मतलब वो था ठीक, पर हम लोग जब रिलेशनशिप में थे उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ हम दोनों के बीच में, पर ऐसा था ना कि मैं पीछे हटने वाली लड़की नहीं हूँ कहीं भी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, मम्मी पापा हो, फैमिली हो, अपने फ्रेंड्स हो, या मैं जिसे प्यार करती हूँ तो नहीं होगा, पर शायद उनको लगा कि ये आगे बढ़ नहीं सकते। और मुझे अभी ऐसा लगता है ना अभी जाके कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद दिन आता है ऐसा है, तो मुझे भी लगा कि मेरे लाइफ में भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि उसके बाद होता है ना कि आप जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, लव में आ जाते हो, तो तब लगता है कि अरे छोड़ो यार यही सब है, पर उसके बाद वो टूटने के बाद मुझे अभी लगता है ना कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। उसके बाद मेरा काम आगे बढ़ने लगा, मैं काम पर ध्यान देने लग गई, अभी तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ऐसा है जी। अगर समझो आपका अभी तो प्यार कोई है नहीं, अगर खेसारी आपको बोलता है तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ तो अगर खेसारी जी अनमैरिड होती तो जरूर मैं हाँ कर देती अलग बात है, मैरिड है मैं बोल नहीं पाऊंगी ऐसा है। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कुंवारे हैं और कुछ कुंवारे होने वापस जा रहे हैं, उनके बारे में जो कुंवारे होने वापस जा रहे हो तो हम नहीं देखेंगे अलग बात है, और जो कुंवारे हैं अगर मुझे अच्छा लगा तो शायद मैं हाँ बोल भी सकती हूँ। चिंटू के साथ भी काम कर रहे हो जी, जो नेचर है चिंटू का कैसा नेचर है? देखिए मैं तो एक ही दिन अभी तक मैं एक ही दिन शूट किए, पहले दिन से वो इतना अच्छे से मिल गए ना, मतलब पहले दिन से वो आके मुझे हेलो पूजा जी आप कैसे हो, तो मुझे पता चला वो मुझे जानते हैं पहली बार, होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं हाँ हेलो ऐसे बोलते हैं, तो वो आते ही मुझे बोला कि कैसे हो आप ऐसा ऐसा है, तो बहुत ही मतलब मिलजुल के बात किया उन्होंने, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।